सोलन का संदीप एवरेस्ट पर विजय हासिल कर जैसे ही सोलन पहुंचा था, सोलन के लोगों ने उसे पलकों पर उठा लिया और सभी ने मिलकर संदीप के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कैप्टन संदीप को उसकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर विजय हासिल करने पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं इस मौके पर कैप्टन संदीप ने एवरेस्ट पर विजय हासिल करने और वहां से वापस आने से जुड़ी कई रोचक पहलुओं की जानकारी लोगों को दी। आपको बता दें कि एवरेस्ट पर विजय हासिल करने के लिए संदीप का ये दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में आधे पड़ाव तक ही वह पहुंच पाए थे, क्योंकि जब वह आधे पड़ाव में पहुंचे थे तो वहां पर भयंकर भूकंप आ गया था, जिसे सब आज नेपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं। संदीप ने उस वक्त बर्फ से लदे पहाड़ को हिलते हुए देखा था। इस मौके पर कैप्टन संदीप ने बताया कि एवरेस्ट पर उनके साथ कई साथी चल रहे थे, लेकिन उनमें से कई साथी आधे रास्ते में ही वापस हो गए थे। 35 डिग्री तापमान में कईयों के शरीरों के अंग जवाब दे चुके थे, तो कईयों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, जिसके चलते उनका हौसला भी जवाब देने लगा था। उन्होंने बताया कि वह पेशे से पायलट हैं और अगर उनके हाथ या पैर गल जाते तो उन्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता था, जिसकी वजह से उन्होंने 3 मोजे और दस्ताने पहन रखे थे। उन्होंने बताया कि वह जब अंतिम पड़ाव में विजय के पास बिल्कुल पहुंच चुके थे तो खुशी के मारे उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने इस मौके पर मीडिया के सामने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के रवैये के प्रति भी अपना रोष प्रकट किया और कहा कि वे आम खिलाड़ियों की तरह देश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने इस विजय पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। उन्होंने आशा जताई कि वे जल्द ही कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे ताकि हिमाचल के वे लोग जो पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं और उस पर विजय हासिल करते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। जर्नी काफ़ी लंबी थी, काफ़ी डिमांडिंग थी और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस मुझे अपने आप से थी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत इसके लिए करी थी, काफ़ी ट्रेनिंग करी थी, मेरे को काफ़ी इंजरीज हुई थी, बट पर अच्छी अच्छी तैयारी के बाद ये रिज़ल्ट आया है और मैं इससे काफ़ी 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 खुश हूँ। जो ये चढ़ाई थी, ये मेंटली और फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों इम्पोर्टेंट थी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट सरकार को कुछ तो सहयोग देना चाहिए, जैसे बाकी खेलों में होता है। वैसे आई एक्सपेक्ट कि माउंटेनियरिंग में भी हम इतनी मेहनत करके ऊपर जाते हैं कि कुछ सरकार कुछ करे, बट अभी तक तो उन्होंने कोई सहयोग दिया नहीं है। मेरा गोल है हाईएस्ट पीक ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, तो फिर मेरा प्लान है कि मैं अफ्रीका का, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, एंटार्क्टिका का, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, जो भी सबसे ऊँचा पहाड़ है उसको मैं चढ़ूँ।